स्वामी नारायण साक्षादक्षर पुरुषोत्तम सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक पर कुछ और विशेष विचार करते हैं। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण द्वारा देखे गए अर्जुन हैं। तीन विशेषणों की बात हमने की थी, तम तथा कृपयाविष्टम, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, विषीदंतम, इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। मोह से आविष्ट, मोहग्रस्त, मन में विषाद और आंख में आंसू, उसका आधार लेकर हमने हमारी वैदिक सनातन धर्म के सिद्धांतों की परंपरा में जो तीन शरीर की बात है उसकी चर्चा की थी। यह चर्चा आवश्यक है हमारे जीवन के लिए और हम इस सिद्धांत को समझकर सुख की प्राप्ति कैसे करनी है यह भी ठीक ढंग से जान सकते हैं, दुख का निवारण कैसे करना है यह भी ठीक से जान सकते हैं, भक्ति कैसे करना है, भक्ति में अवरोध कहाँ होता है, इन देह के भाव कहाँ हमें अवरोध करते हैं, यह सब हमें जानने मिलता है। इसलिए आज और हम इन तीन शरीर पर विचार करेंगे। अर्जुन के तीन शरीर, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, आंखों में आंसू, फिजिकल बॉडी, मन में विषाद, विषीदंतम, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, और कृपयाविष्टम, मोहाविष्ट, कारण शरीर, कॉजल बॉडी। जैसे आप समझिए कि हमारी आत्मा की जन्म होता है, हमारी आत्मा मनुष्य आदि शरीर को धारण करती है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारी जो आत्मा है उसको अज्ञान है, माया और वासना का बंधन है, तभी तो जन्म लेना पड़ता है। जन्म ही सबसे बड़ा प्रमाण। अब जब जन्म मिलता है तो यह तीन शरीर हमें प्रभावित करते हैं, तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इनका प्रभाव हम पर होता ही है, प्रतिक्षण होता है। और ये तीन शरीर तीन गुण को लेकर आते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तक तीन शरीर के भाव, जब तक तीन गुण के भाव, तब तक सुख की आशा व्यर्थ है। कैसे प्रभावित करते हैं, अनुभव के आधार पर देखें। हम जो जीवन जीते इसमें कैसा अनुभव है, ऐसे तो आत्मसत्ता होनी चाहिए, परमात्म सत्ता होनी चाहिए, लेकिन आत्मा की तो सत्ता कहाँ है पता नहीं। अभी जो कुछ भी हम करते हैं, हमारा स्थूल शरीर जो चाहता है वही करते हैं, उससे बढ़कर हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारे मन में जो विचार आता है, हमारा मन जो चाहता है, हमारी बुद्धि जो चाहती है वही हम करते हैं। और यह सब हमारी जो स्वभाव, प्रकृति, वासना, मोह, काम, क्रोध इत्यादि जो स्वभाव है उसको अधीन होकर हम करते हैं। आत्मसत्ता चली गई, परमात्म सत्ता चली गई, अब इन शरीरों की सत्ता चल रही है। हमें कुछ समझो, खाना पीना देखना जो कुछ भी हम करते हैं आत्मसत्ता नहीं है, इन शरीरों के भाव से लिप्त होकर हम करते हैं। माइक दृश्य को देखने के लिए लालायित हो जाते हैं। कोई व्यवसायी व्यक्ति हो संसार में, पूरा दिन परिश्रम करके, नौकरी करके, उद्योग बिजनेस करके थक जाता है, शरीर थक जाता है, फिजिकल बॉडी थक जाती है, और घर पर आता है फिर भी देखिए, घर पर आता है फिर भी देखिए, जब आंखों को इच्छा होती है कोई फिल्म देखने के लिए, थक गया हुआ इंसान है, व्यक्ति, मानवी,
आंखों को इच्छा होती है, कुछ देखने जाना है, तो चलिए कोई थिएटर में एक फिल्म देखने जाना है, आंखों को इच्छा हो गई, तो पैर कहते हैं हमारे चरण कि नहीं आज तो मैं थक गया हूं, उठने की भी ताकत नहीं है, कोई फिल्म देखने जाना नहीं है। आंखें फिर पैरों को समझाती है कि देखो आपको तो मुझे यहां से उठा के लेकर जाना है थिएटर तक, फिर तो देखना मेरा काम है, आप वहीं पर रेस्ट लीजिए, आराम कीजिए, आपको तो कोई काम नहीं है वहां पर, आप मुझे लेकर जाइए। ये मैं संवाद के ढंग से सुनाता हूं, ऐसे ही होता है। थका हुआ मानवी एक आंखों को देखना, एक दृश्य चाहिए उसकी आंखों को। तो इन आंखों की इच्छा पूर्ण करने के लिए थका हुआ भी अपने पैरों के साथ एक संवाद होता है। आंखों को लगता है कि इसको भी कुछ प्रलोभन देना पड़ेगा, तो भाषा बदलते, हे चरण कमल, स्वार्थ है इसलिए आंखों की भाषा बदल गई, पैरों को कहते हे चरण कमल आप मुझे यहां से थिएटर तक ले जाइए, सिनेमा घर तक। तो चरण कमल कहते हैं, पैरों कहते हैं, पैर कहते हैं कि चलो मैं आज लेकर जाता हूं, आप हमारे लिए क्या करेंगे। तब आंखें कहती है देखिए आज यदि रात को मुझे आप थिएटर तक ले जाएंगे तो कल सुबह 12 बजे तक मैं खुलूंगी ही नहीं। समझ में आया, देखो कैसे कॉम्प्रोमाइज होता है। ऐसे ही पूरा देह, जो लोग रात को थिएटर में जाते हैं 9 बजे 12 बजे 1 बजे घर पर वापस आते हैं और फिर सो जाते हैं देर से और दूसरे दिन जल्दी उठते नहीं है, क्यों? यह चर्चा हो गई है। आत्मसत्ता चली गई और जो ये तीन शरीर के भाव है, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इनके भावों से लिप्त हमारी आत्मा, उससे छुड़ाना है। तीनों का प्रभाव हमारे शरीर पर है। अब देखिए इन तीनों शरीर के साथ युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध अनिवार्य है। तीनों शरीर के भावों को जीतना पड़ेगा, युद्ध भी अनिवार्य और जीतना भी अनिवार्य। लेकिन उससे भी एक अच्छी बात यह है, हम जीत सकते हैं, बहुत से लोग जीते भी हैं। पहले समझ ले शत्रु पक्ष की ताकत क्या है। जैसे मैंने एक स्थूल उदाहरण आपको दिया, हमारी इच्छा नहीं है तो भी हम देखने लगते हैं, यही तो ताकत है। इन शरीरों की ताकत देखिए। अर्जुन के मन में भी यह प्रश्न हुआ था, तीसरे अध्याय में अर्जुन ने एक अद्भुत प्रश्न पूछा है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति, अर्जुन का प्रश्न है कि मेरे मन में पाप करने की कोई इच्छा ही नहीं है, तथापि कौन प्रेरित करता है? जब हम गलती करते हैं इसका मतलब यह नहीं कि गलती करने की इच्छा है, इच्छा नहीं होने पर भी गलती हो जाती है, समझो गलती से गलती हो जाती है। गुस्सा नहीं करना है फिर भी गुस्सा हो जाता है, गालियां नहीं बोलनी है फिर भी गाली बोल देते हैं, झूठ नहीं बोलना है फिर भी झूठ बोल देते हैं। हमारे जीवन में ऐसे प्रश्न होते हैं। अर्जुन ने पूछा, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि, अद्भुत शब्द है, इच्छा जरा भी नहीं है। और यही आस्तिकता, यही धार्मिकता, इच्छा न हो और पाप हो जाए यह धार्मिकता है। हाँ, जो इच्छा से पाप करता है वो अधर्मी है, वो दुर्योधन है। लेकिन अर्जुन के मन में ऐसे नहीं था। अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, बलात् बलात्कार हमारी इंद्रियां लौकिक विषय में चली जाती हैं। हम चाहते हैं कि यह नहीं खाना है, मांसाहार नहीं करना है, हो जाता है। हम चाहते हैं मद्यपान नहीं करना है, शराब नहीं पीनी है, पी लेते हैं। अनिच्छनपि बलादिव नियोजितः, अर्जुन ने यह पूछा, यही शरीर का भाव जो हम बात कर रहे हैं।
खासकर वो तीन शरीर में जो कारण शरीर है, कॉजल बॉडी है, उसकी शक्ति बहुत है। उसको समझना पड़ेगा, यदि उसको हराना है तो उसकी शक्ति को भी समझना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर भी दिया है, जब अर्जुन ने पूछा कि ये कौन पाप करवाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। मन की कामनाएं, हमारे मन में जो दोष हैं, क्रोधादि दोष हैं, मोह है, अज्ञान है, उसको वश होकर व्यक्ति पाप करता है और उसका आचरण, उसके विचार सब बदल जाते हैं। एक उदाहरण के द्वारा पुनः इन तीन शरीरों को समझे, जो भगवद गीता के प्रथम श्लोक में दिखाई दे अर्जुन की आत्मा पर। समझो कोई राजा के पास एक खजाना है, सोना चांदी और अलंकार इत्यादि उसको रखना है, उसने एक जगह पर रखे, सुरक्षित रखना है। अब एक अच्छी मंजूषा में इन अलंकारों को, सोने को रखता है, फिर सोचता है कि इसकी रक्षा के लिए मैं क्या करूं, तो उसके आसपास उसकी रक्षा के लिए एक लोखंड की दीवार बनाता है। फिर राजा को होता है कि इतनी दीवार पर्याप्त नहीं, और एक दीवार बनाना चाहता हूं। दूसरी दीवार उसकी बाहर लगाता है, पत्थर की दीवार। राजा को और संतोष नहीं होता है कि नहीं, कोई इसे कोई चोर चोरी कर जाएगा तो तीसरी दीवार बनाता है, मिट्टी की दीवार। तो बाहर से देखे तो तीन दीवार, पहले मिट्टी की दीवार, फिर पत्थर की दीवार और फिर लोखंड की दीवार। उसमें खजाना है, मोती है, माला है, अलंकार है। अब किसी चोर को इस खजाने को लूटना हो तो अनिवार्य रूप से क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसको मिट्टी की दीवार तोड़नी है। सामान्य प्रयत्न से नहीं टूटेगी, मिट्टी दीवार है, मिट्टी की दीवार है। चलो किसी ने मिट्टी की दीवार तोड़ भी ली तो काम पूरा नहीं, अभी खजाना नहीं मिलेगा। दूसरी दीवार आती है, और दूसरी दीवार कौन सी है, पत्थर की दीवार है। जितने परिश्रम से मिट्टी की दीवार टूटी, उतने ही परिश्रम से पत्थर की दीवार नहीं टूटेगी। परिश्रम बढ़ जाएगा और साधन भी बदलने पड़ेंगे। जिन साधनों से मिट्टी की दीवार को तोड़ी थी, उसी साधनों से आप पत्थर को नहीं तोड़ सकते हैं, साधन बदलने पड़ेंगे, समय भी बदल जाएगा। जितने समय में मिट्टी की दीवार टूट गई, उतने ही समय में पत्थर की दीवार नहीं टूटेगी। पद्धति भी बदलनी पड़ेगी। तो देखो, रीति का भी परिवर्तन, समय का परिवर्तन, साधन का भी परिवर्तन, हाँ श्रद्धा भी अधिक चाहिए। जैसे जैसे आप सिद्धि की ओर जाते हैं, कठिनाइयां बढ़ती जा रही है। अब आप, पहले तो मिट्टी के साथ युद्ध करना था, अब पत्थर के साथ युद्ध करना है। इच्छा तीव्र होनी चाहिए खजाने को लूटने की, तभी कर सकेंगे। और पत्थर की दीवार को भी तोड़ने के बाद काम पूर्ण होता है, नहीं, और कठिन हो गया। अब तो लोखंड की दीवार आ गई, तीसरी दीवार को भी जो तोड़ सकता है, उसमें भी साधन बदलने पर। जिस साधनों से हमने पत्थर की दीवार को तोड़ा, उसी साधनों से लोखंड की दीवार को नहीं तोड़ सकेंगे। शक्ति भी अधिक, साधन भी बलवान चाहिए, समय भी ज्यादा, अब बुद्धि से भी काम करना पड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए एक तरीका होता है, उस ढंग से ही तोड़ना पड़ता है। श्रद्धा भी अधिक चाहिए, और खजाना लेना है उत्कट इच्छा चाहिए, बर्निंग डिजायर जिसको कहते हैं, तो तीसरी भी दीवार वो तोड़ देगा। यह तो एक उदाहरण है। सिद्धांत यह है, समझो जो मंजूषा है हमारी आत्मा, वह एक सुवर्ण मंजूषा तुल्य है, और उसके अंदर परमात्मा, परम ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, हमारे गुरु का स्थान, वह हमारी आत्मा में है। वह अलंकार है, अद्भुत गहने हैं,
लेकिन उसको लेना हो तो उसके आसपास तीन दीवारें लगी हैं, तीनों को तोड़कर अंदर जाना है। साधना है हमारे आत्म तत्व को पाने की, परमात्म तत्व को पाने की, हमारे गुरु के साथ एकाग्रता प्राप्त कर एक प्रसंग, एक स्नेह और एक परमात्मा के अनुभव करने की बात है। तीनों दीवारों को तोड़ना पड़ेगा। पत्थर की पहले मिट्टी की दीवार आएगी सबसे पहले, इसका मतलब है स्थूल शरीर को जीतना पड़ेगा, यह अनिवार्य कंपल्सरी है। स्थूल शरीर को जीतना, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे सबसे पहले हमारे जो फिजिकल बॉडी है उसको शुद्ध और पवित्र रखें, नियम युक्त जीवन होना चाहिए, सदाचार युक्त जीवन होना चाहिए, आहार विहार में विवेक होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता ने कहा, युक्ताहार विहारस्य योगो भवति दुःखः। आहार और विहार योग्य होने चाहिए। हम जो खाना खाते हैं वो पवित्र होना चाहिए। हमारे भारतीय वैदिक सनातन धर्म की परंपरा में शाकाहारी जीवन पद्धति होनी चाहिए, मांसाहार का त्याग होना चाहिए, क्योंकि हम जैसा अन्न खाएंगे ऐसा मन होता है। तो फिजिकल बॉडी को जीतना है तो पहले आहार शुद्धि आवश्यक है। दूसरी बात है, केवल आहार शुद्धि तो एक जिह्वा का संयम हुआ, प्रत्येक इंद्रियों पर संयम प्राप्त करना है। आंखें भी आहार करती हैं, उसका संयम भी आवश्यक। नियम रखो, क्या देखना और क्या नहीं देखना, क्या सुनना और क्या नहीं सुनना। हमारे शास्त्रों ने हमको समझाया है, भगवद गीता ने कहा, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परामगति। हमारे शास्त्रों ने जो नियम दिए हैं, इन नियमों को जो तोड़ देगा और एक स्वच्छंदी जीवन जिएगा तो उसको सुख कभी नहीं, शांति कभी नहीं होगी। आहार शुद्धि, जितना विश्व में दिखता है सब देखने जैसा नहीं होता है। अश्लील दृश्य मत देखिए। हमारे कुटुंब में हम लोग साथ में रहते हैं, हम टीवी देखते हैं, टीवी देखने का निषेध नहीं, विवेक चाहिए। अश्लील दृश्य जिससे हमारे मनोविकार बढ़ते जाए, वासना बढ़ती जाए, कामादि दोष बढ़े, ऐसे दृश्य क्यों देखते हैं। स्थूल शरीर को तो पहले जीतिए, आहार शुद्धि। ऐसे प्रत्येक इंद्रिय में, सुनने में भी जैसे हमने कहा, उसमें भी एक विवेक होना चाहिए। भगवान के भजन सुनिए, हिम्मत बल की बात सुनिए, जिस क्षेत्र में हम कार्य करते हैं उसकी बात सुनिए। उन विषयों की बात सुनने से तो हमें प्रगति होगी हमारी, लेकिन जिन बातों को सुनने से, जिन गीतों को सुनने से मन में विकार हो तो स्थूल शरीर में भी प्रश्न हो जाएंगे। नियम का पालन करना, स्थूल शरीर को जीतना, इसका एक और एक मतलब है, व्यसनों का त्याग कीजिए, दुर्व्यसनों का। एडिक्शन मत कीजिए, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, शराब पीना एडिक्शन है। और फिर कोई व्यक्ति एडिक्शन में जा, एडिक्शन का भी एडिक्शन होता है, उसको छोड़ नहीं सकता, एक प्रकार से पागलपन आ जाता है, परवशता आ जाती है, बलहीनता आ जाती है। और जो कर्तव्य लेकर बैठा है, जिस कुटुंब में रहता है, जिस समाज में रहता है, वहां प्रश्न हो जाते हैं, आध्यात्मिकता का भी अनुभव नहीं होता है। फिजिकल बॉडी को फिट रखना हो तो व्यसनों का त्याग कीजिए, एक शाकाहारी जीवन पद्धति का अनुसरण कीजिए। साथ साथ हमारे शास्त्रों में जिस ढंग से तप का आदेश, तपस्या का आदेश है, उसका भी स्वीकार कीजिए। एकादशी का व्रत रखिए, वैज्ञानिक साइंटिफिक है, शास्त्रों ने कहा इस ढंग से। हाँ, साइंस तो अपनी अपने ढंग से बताएगा, हमें तो आध्यात्मिक ढंग लेना है। संयम सीखिए, उपवास को सीखिए, विषयों का त्याग करना सीखिए। तो इतना जब करेंगे हम, तब
स्थूल शरीर जीता जाएगा। प्रमुख स्वामी जी महाराज जो हमारे गुरुदेव और आज हमारे गुरुदेव महंत स्वामी जी महाराज, जो भी मुमुक्षु उनको मिलने आते हैं उनको कहते हैं कि पहले आहार शुद्ध करो, व्यसन मत करो, पवित्रता रखो, स्थूल पवित्रता, फिजिकल बॉडी पवित्र रहेगी तो आप आगे कुछ काम कर सकेंगे। अब दूसरी बात आती है कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, जहां अर्जुन का विषाद था, हमारे मन में भी प्रश्न चल रहे हैं, शंका, भय, क्रोध, सूनापन, पीड़ा, दुख इत्यादि, स्ट्रेस हम जिसको कहते हैं, यह सब मन के भाव है। अब उसको भी जीतना है, क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहली बात, सद्विचार, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। अब पॉजिटिवनेस क्या है, यह पॉजिटिव थिंकिंग है क्या? पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है हमारे पास जो शक्ति है उसका विचार कीजिए। सबसे पहले मैं आत्मा हूं, आत्मा नित्य है, सच्चिद आनंदमय है, यह मेरी शक्ति है, उसको याद करना, उससे विचार पवित्र होंगे, यह सद्विचार है। उतना ही नहीं, उससे आगे जाइए, परमात्मा मेरे हृदय में निवास करते हैं, परमात्मा बल का वैभव ले लीजिए, परमात्मा शक्ति का चिंतन कीजिए और देखिए मानसिक रोग दूर हो जाएगा, भगवान मेरे साथ है और भगवान के अखंड धारक हमारे जो गुरुदेव होते हैं उनको याद कीजिए, उनका बल लीजिए। मुझे भगवान प्रत्यक्ष रूप में गुरु के स्वरूप में मिले हैं, मेरे जो गुरु हैं वह साक्षात नारायण स्वरूप है, वह मेरी साथ है। यह प्राप्ति का विचार, यह करने से मानसिक निर्बलता दूर होती है। अर्जुन के मन में विषाद आया और देखिए पूरी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, मैं तुझे मिला हूं, मन मना भव, मद भक्तो मद्याजी, माम नमस्कुरु, मामई वैश्यसी, तू चिंता मत कर, मेरा भक्त बन जा, मेरी शरण में आ जा। था ही शरण में फिर भी कहा ऐसे विचार, तो फिर घबराने की जरूरत क्या है अर्जुन? भगवान श्री कृष्ण यह कहना चाहते थे, मन को जीतने के लिए सद्विचार कीजिए, स्वस्थ चिंतन कीजिए। स्वस्थ चिंतन का मतलब आध्यात्मिक चिंतन, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, गुरु का चिंतन, सिद्धांतों का चिंतन, शास्त्रों में जो कुछ कहा गया उसका चिंतन कीजिए। अब तीसरी बात आती है, कारण शरीर को कैसे जीते, जो हमारी कॉजल बॉडी है, प्रकृति, स्वभाव, दोष, अज्ञान, अविद्या, उसके लिए एक ही उपाय, भगवान की शरणागति। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। दुरत्यय माया है, लेकिन भगवान की शरण में जाने से हम माया को तैर जाते हैं, मायातीत हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं। तो भगवान की उपासना, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय, परमात्मा की उपासना के बिना, परमात्मा की भक्ति के बिना, परमात्मा के आश्रय के बिना हम कभी भी माया को विनष्ट नहीं कर सकते हैं, मायातीतता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो तीन शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों को जीतना हो तो क्रमशः नियम का पालन कीजिए, आहार शुद्धि, निर्व्यसनी जीवन, मन में सद्विचार, आत्मविचार, परमात्म विचार, गुरु का विचार, सिद्धांतों का विचार और कॉजल बॉडी, कारण शरीर को जीतने के लिए भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना, भगवान का आश्रय। इतना करने से अवश्य हम शरीर के भावों को जीत सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और अब क्या कहा, अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।